हेलो दोस्तों, रियल कॉमेडी अब्दुलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं पंकज कुमार आपके लिए आज कॉमेडी से हलकर कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि सिमरा सिमरिया क्यों मनाए जाते हैं, इनका रीजन क्या होता है, ये कब से मनाए जाते हैं, इनकी वो प्रमुख जगह कहाँ है जहाँ ये मनाए जाते हैं, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। तो आज बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर ये सिमरा सिमरिया का खेल खेला जा रहा है। और मैं भारत में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उसी प्रकार से एक सिमरा सिमरी का विवाह, ये भी त्यौहार बहुत धूमधाम बड़ी उल्लाह के साथ मनाया जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कई अलग अलग जगहों पर बहुत विधिवत रूप से मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, फरुखाबाद, रामपुर, बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में सभी में मनाया जाता है। तो और मैं आपको बता दूं या कहाँ मनाया जाता है, ये बुंदेलखंड में विधिवत रूप से मनाया जाता है जहाँ से ये प्रथा प्रचलित हुई है। हमारे यहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि ये सिमरा सिमरिया का त्यौहार जो है नवदुर्गा के शुरुआत पहले दिन से शुरू होता है और लास्ट अंतिम दिन वाले दिन पे इसका जो होता है शादी विवाह, इनका सिमरा सिमरिया का खेला जाता है। पहले दिन एक रानी की स्थापना की जाती है और उसके नीचे सिमरा सिमरिया रखे जाते हैं जिसपे प्रत्येक दिन फूल छोड़े जाते हैं। तो मैं आज आया था कबीरपुरवा में जहाँ ये सिमरा सिमरिया खेले जा रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ कुछ समय पहले जो है तेल पूजन तो हो चुका है, अब कुआं बारा और खम्भ है, पंडित जी आए हैं और साथ में जो है इसकी भमरी भामले पड़ेंगी, साथ में लोग जो है अपनी महिलाएं प्राकृतिक रूप से जो कलाएं दिखाना चाहती हैं वो मिट्टी से बने पतरिया, पतरवा, हाथी, घोड़े, गाय आदि की प्रतिमा बनाते हैं और इकट्ठा करते हैं। कुछ पालकी भी सजाई जाती हैं आपके सामने हैं। इन पालकियों में ऊपर जो है दीपक जलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें घी तेल आदि को भर करके विधिवत रूप से जलाया जाता है। पतरियां बच्चे आकृति बनाते हैं जिसे कागज, अपने घर से आभूषण, धागे आदि को लेकर के उनको सजाने का पूरा कोशिश करते हैं और रियल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सभी सामग्री आदि का प्रयोग करके उनको इकट्ठा किया जाता है और घर में लगाते हैं। और इन सिमरा सिमरियों की जो शादी है नवरात्रि की नवमी तिथि को इनका विवाह होता है। इसके साथ में बैंड आता है, डीजे लगता है जहां महिलाएं, छोटे बच्चे, औरतें और लड़कियां बहुत रूप से डांस भी करती हैं। इसके में महिलाएं, छोटे बच्चे, लड़कियां बहुत विधिवत रूप से भाग लेती हैं और ये प्रत्येक दिन सिमरा सिमरियों पे चढ़ाए गए फूल उसके अगले दिन जो है गर्रा नदी में बहाने के लिए जाया करती हैं और प्रत्येक दिन स्नान भी करती हैं, कहीं कहीं तो इकट्ठा करती रहती हैं और बाद में नहाती हैं। जहाँ सिमरा सिमरी की बारात कराई जाती है और पुरानी परंपराओं को निभाते हुए लड़की की ओर से मिट्टी के बने बर्तन सिमरा वाले को दिए जाते हैं जिसमें अन्य बर्तन कहें तो किचन की सामग्री बर्तन आदि को भी दिया जाता है। एक खम्भ की व्यवस्था की जाती है जहाँ पंडित आता है और विधिवत रूप से इनकी भामरे डलाई जाती हैं। और ये त्यौहार मनाने से के बाद यहाँ के जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं ये उनका कहना है कि जब ये सिमरा सिमरी का खेल खेला जाता है, इनका बरात हो जाती है, इसके बाद भी हम लोग जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम कर सकते हैं, इससे पहले शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारी परंपरा है इस जब तक सिमरा सिमरी की शादी नहीं होगी तब तक हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, ये कहना है। तो इस शादी के बाद में सब लोग इकट्ठे होकर के भौरी बारात जब सबकी हो जाती है उसके बाद सभी लोग मिट्टी के बारातों में। और आज आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ता हूँ और बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको
कुछ ही दिनों में मिलने देखने को मिलेगी एक फनी रामायण। धन्यवाद।